नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। बदायूं के सीएमओ डॉक्टर यशपाल यादव समेत एनएचएम प्रबंधक कमलेश शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बदायूं के सीएमओ यशपाल सिंह यादव के द्वारा सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति के लिए बैंड निकाली गई, जिसमें 20% कमीशन की मांग की जा रही है। साथ ही इस सभी काले कारनामे में डीसीपीएम अरविंद राणा मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। बता दें कि अरविंद राणा और कमलेश शर्मा सीएमओ के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। ये दोनों एनएचएम कार्यालय में संविदा पर तैनात हैं। इसी को लेकर भाजपा ब्रज क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएमओ बदायूं डॉक्टर यशपाल सिंह यादव के भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री से की है, लेकिन इसके बाद भी भ्रष्ट सीएमओ पर विभाग के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। सीएमओ बदायूं पर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। राज्यपाल की आज्ञा से अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो बदायूं से भ्रष्टाचार का एक वीडियो सामने आता है, जहां सीएमओ के ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि सैनिटरी नैपकिन के नाम पर कमीशन मांगने का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आरोप है कि बदायूं सीएमओ के ऊपर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसके पूर्व भी कई गंभीर धाराओं पर उन पर आरोप लग चुके हैं, बावजूद उसके अभी तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव का नामांकन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट भवन में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन के आधार पर सबको पालन करवाते हुए नामांकन पत्र लिया गया। इसी क्रम में चांदपट्टी से मोहम्मद फैजल इमरान जिला पंचायत सदस्य का नामांकन हुआ है। पूर्व सीएम और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव के नीतियों और योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को सुविधाएं पहुंचाने की भी बात की गई है। विकास के मुद्दे रहेंगे, किस तरीके के विकास हम विकास है, रोड है, नाली है, स्वच्छ भारत जो है उसका, और हम पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा पूरा परिवार ही पूरा 200-240 साल से इसी समाजवादी पार्टी में रहा है, और हम भी है, और हम समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, जिसमें हमारा अध्यक्ष जी हवलदार यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद बलराम जी का सबका सहयोग है। अच्छा, क्षेत्र में स्कूल है, हमने गांव में स्कूल के जमीन दिया, सबसे ज़्यादा हमारा योगदान है, हमने योगदान किया शिक्षा में। हमारे यहाँ आइए, क्षेत्र में पता करिए, वीर अब्दुल हमीद का स्कूल है, उसमें हमारा योगदान है, किसी भी सामाजिक काम में उस क्षेत्र में हमारा हमारे। आजमगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के अधिग्रहित प्रत्याशी सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हकीम बेग ने जाफरपुर से जिला पंचायत सदस्य के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर हकीम बेग के साथ प्रस्तावक अशफाक खान भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद हकीम बेग ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता क्षेत्र और आम जनता का उत्थान करना है, इसलिए जिला पंचायत सदस्य के लिए अपना नामांकन किया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए योग्य प्रत्याशी का ही चुनाव करें। आजमगढ़ में आज पंचायत सदस्यता के लिए नामांकन प्रक्रिया का कार्य शुरू किया, जिसके बाद आज लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं सपा की ओर से प्रत्याशी ने आज अपना नामांकन भरा। वहीं उनके साथ नामांकन भरने के लिए उनके कई साथी भी उनके साथ वहां मौजूद थे, जहां उन्होंने जनता से अपील की कि वह सोच समझ कर लोगों को मत दे। आगरा में होटल संचालक की मौत का मामला गर्मा गया है। लोग पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जैतपुर में हजारों की संख्या में पुलिस के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं मृतक के परिवार वालों ने पुलिस कस्टडी में होटल संचालक की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। आक्रोशित लोगों ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा माहौल को बढ़ता हुआ देखकर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। फिलहाल के लिए परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है।
आगरा में आज इस मामला सामने आया जहां एक होटल संचालक की मौत के बाद आज परिवार वालों का आक्रोश देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि होटल संचालक की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है, जिसके बाद अब परिवार वालों की मांग है कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। वहीं उन्होंने मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने से भी फिलहाल मना कर दिया है। वहीं भारी संख्या में गांव में पुलिस को भी तैनात किया गया। आपको बता दें, जैतपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आजमगढ़ में दूसरे चरण में होने वाले नामांकन को लेकर प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि 7 और 8 अप्रैल दोनों ही तारीखों को नामांकन प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशी भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसी मामले में जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी दंपत्ति चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन जब वह नामांकन करने पहुंचे तो पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया और अब वो जिला निर्वाचन अधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। समस्या है कि हम लोग जो है, हमारी पत्नी सुमन देवी प्रत्याशी हैं महाप्रधान की, और कई लगभग महीनों से हम लोग जो है गांव में जो जाकर प्रचार कर रहे हैं कि भाई हम लोग महाप्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य। और मैं जब कल 9 बजे करीब आस पास जो है लिस्ट जब मैं नहीं आई तो उसमें मेरा और मेरे पूरे परिवार का ही नाम काट दिया गया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम कैसे जो है चुनाव लड़ें। पूरे क्षेत्र में जो इस तरह की चर्चा हो गई है कि इस तरह नाम कट जाना, और मैं प्रत्याशी महाप्रधान हैं जबकि जो है सभी जगहों से मुझको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे समर्थक बहुत ही दुखी हैं, फिर भी जो है हमने जो है यहाँ पर आकर पर्चा दाखिला किया है। लेकिन यह क्या होगा, पर्चा दाखिला खारिज जाएगा कि क्या होगा या इसके लिए। ताजनगरी आगरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मरीजों को लेकर जिला अस्पताल आगरा के CMS डॉक्टर सतीश कुमार ने जनता से अपील की है कि आप सभी 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का जरूर उपयोग करें। उन्होंने यह भी बताया कि जिला अस्पताल में भी कोरोना को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं, हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण में छोटे बच्चों के ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। लेकिन बात की जाए आगरा में जनता की, तो जनता सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखो, मीडिया के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो सेकंड वेव दुर्भाग्य से अपने मुल्क में शुरू हुई है, उसमें बच्चे और बिलो 40 ईयर्स के एज ग्रुप के लोगों को संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। ये खतरनाक भी है, इसके सिम्टम्स थोड़े भिन्न हैं और ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल अभी तय नहीं किया गया है, तो सावधानी बरतें। मास्क बहुत ज़रूरी है, हाथों की सफाई भी ज़रूरी है। और बस्ती में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर नंद किशोर कलाल अपनी टीम के साथ जीवदरपुर और तेनुआ गांव पहुंचे। चुनाव और मतदान स्थल को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने डीएम से जानकारी ली। इसके बाद डीएम से अनुमति मिलने पर अधिकारी ने विद्यालय के मतदान केंद्र बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंद किशोर कलाल ने कहा कि डीएम से बात के बाद अब स्कूल पर भी बूथ बनाया जाएगा। तो बस्ती में आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने गांव का निरीक्षण किया, जहां आज उन्होंने मतदान स्थल के लिए डीएम के आदेश पर कार्यवाही की। आपको बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने स्कूलों में बूथ बनाने का आदेश दिया है। ताजनगरी आगरा में थाना डॉकी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ही पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए शराब की भट्टियों को भी नष्ट कर दिया है। इसी के साथ शराब माफियाओं के पास से 2 तमंचे और कारतूस को भी बरामद किया गया है। एक अवैध शराब का कारोबार करने वाले गैंग, 4 लोगों का गैंग को गिरफ्तार किया गया है। तो इनके पूछताछ के द्वारा और इनके गिरफ्तारों के द्वारा 135 क्वार्टर्स और 12 अद्दा देशी शराब और 56 क्वार्टर और 29 पौवा अंग्रेजी शराब और एक आल्टो कार
और 2 अवैध तमंचा 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस और खाली ढक्कन पौवे और अड्डे व अन्य शराब बनाने का सामान इत्यादि चीजें। बिजनौर की एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका होने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने फैक्ट्री में लगी आग को काबू में किया। हादसे में सभी मृतक मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। ये घटना शहर के बख्शीवाला इलाके की बताई जा रही है। इस आग की वजह से फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। वहीं राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बिजनौर जनपद के बिजनौर के आउटर पर एक मकान था एकांत में, पूछो किसका है तो उसका नाम बता दो, जहाँ पर 4-5 लोग काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ केमिकल रखा हुआ है जो देखने से प्रतीत होता है, कुछ पटाखे की सामग्री थी, अचानक उसमें आग लग गया, 5 लोग झुलस गए और उनकी मौके पर दर्दनाक और दुखद मृत्यु हुई। जो ठेकेदार था, जो इसको संचालन करता था यूसुफ, इसकी गिरफ्तारी। हापुड़ के सिम्बवाली क्षेत्र के गांव नली हुसैनपुर में एक छात्र जो किसान पीजी कॉलेज में बीएससी तृतीय में पढ़ाई कर रहा है, उसने एक एक्सी इलेक्ट्रिक डिवाइस का आविष्कार किया है जो वाहन चोरी होने पर एक एसएमएस भेजने पर वाहन इंजन को जाम कर देगी और उसके बाद वो वाहन को आगे नहीं जाने देगी। छात्र नदीम द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक डिवाइस की हर तरफ तारीफ हो रही है। परिवार का नाम रोशन करने पर परिवार के लोग भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। वही छात्र नदीम ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनको सरकार से ऐसी मदद की जाए जिससे वह अपने जैसे युवाओं को रोजगार दे सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो हापुड़ में आज एक छात्र का आविष्कार देखने को मिला, जहां छात्र नदीम ने एक ऐसी डिवाइस को बनाया है जो अब वाहन चोरी के मामलों पर रोक लगा सकती है। आपको बता दें कि इस डिवाइस की खासियत यह है कि ये डिवाइस अगर कोई वाहन चोरी करने का प्रयास करेगा तो एक एसएमएस भेजने के बाद वाहन के इंजन को बंद कर देगी, जिसके बाद वाहन आगे नहीं ले जाया जा सकेगा। वही नदीम अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से मदद दी जाए जिससे कि वह आगे इसी तरीके के प्रयास जारी रख सके। मेरे रुचि होने के कारण मैं अपने इनोवेशन करता रहता हूँ। मुझे 9th क्लास से ही, छोटे बचपन से ही बहुत जिज्ञासा थी साइंस में और मैं नए नए आविष्कार के रूप में करता रहता हूँ। जन उपयोगी करने के खातिर मैं नए नए अपने समाज में प्रोजेक्ट देता हूँ ताकि मेरा समाज आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े और हमारे देश का नाम देश विदेश में। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों की वजह से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसके बाद फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस से ग्रामीणों की बहस भी हो गई। तो कानपुर देहात से आगजनी का एक और मामला सामने आया, जहां कानपुर देहात में खड़ी फसल में आग लग गई। आपको बता दें कि इस आग से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं मामले की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई, परंतु फायर ब्रिगेड के समय से ना पहुंचने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं फायर ब्रिगेड के मौके पर ना पहुंचने के बाद किसानों ने खुद ही आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों की तीखी बहस भी देखने को मिली। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसानों और पुलिस के बीच जमकर बहस हो रही है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामले की सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड ने मामले का संज्ञान तत्काल रूप से नहीं लिया, जिसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। राजधानी लखनऊ में कोरोना की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हालात बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी जारी है। बता दें कि विद्युत शव दाह गृह में लंबी कतार फिलहाल लग चुकी है। शव को जलाने के लिए कई इंतजाम करने पड़ रहे हैं। दिन भर लगभग 25 शव बैकुंठ धाम पहुंच रहे हैं।
वहीं विद्युत दाह गृह में दो में से एक मशीन खराब है। एक मशीन होने की वजह से वहां लाशों की लंबी कतार लग चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के मामले में शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने कोतवाली में पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन शिक्षक विधायक का आरोप है कि कोतवाली पुलिस एक पक्षीय कार्यवाही कर रही है, इसलिए पुलिस की इस तरह की कार्यवाही से लोग खासा नाराज है। साथ ही विधायक का यह भी कहना है कि अगर पुलिस ने सही से जांच नहीं की तो अब सीएम के पास जाकर मामले की शिकायत की जाएगी। हमारे भी संज्ञान में लाया गया है कि उसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। जो पीड़ित पक्ष है उसको ही किसी प्रसर में पुलिस परेशान कर रही है। हमें कल संज्ञान में लाया गया सुबह सुबह कि एक 93 साल के बुढ़े को, हीरालाल कुमार को, पुलिस जबरन घर से उठा लाई और हमने बात किया इंस्पेक्टर से तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुलजिम है। हमने इंस्पेक्टर से कहा भी कि ये तुम्हारे बाबा की उम्र के हैं और वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं अपने पैरों से और वो कौन सी मारपीट करेंगे, इसलिए जो नए लड़के उसमें अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको आप लीजिए। लेकिन शाम तक फिर ये जानकारी हुई कि जिसपे 308 दर्ज है, इसके पहले भी संगीन धाराओं में जिसपे अपराध दर्ज है, आगजनी का केस है, नहर को जबरन सरकारी नहर को बेचने के जिसपे जुल्म है, उन लोगों को बुला करके थाने में चाय पिलाए और उनको निजी मुचल के। सोनभद्र के स्वर्ण जयंती चौक पर कोविड 19 को लेकर एसडीएम सीओ की मौजूदगी में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां लोगों को कोविड के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस चेकिंग अभियान में पुलिस अधिकारी द्वारा बिना मास्क पहने लोगों के ऊपर चालान काटा गया। वहीं इस अभियान में यह भी देखने को मिला कि अधिकारी खुद बिना मास्क के थे और वो लोगों का चालान काट रहे थे। हरदोई के थाना शाहबाद के अंतर्गत एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर विवाहित जोड़े सवार थे, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि पति लोनी शुगर फैक्ट्री शाहबाद में फीडर मैन के पद पर काम करते थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। लगी है, कट लगने के बाद चपेट में ट्रक आई है, ट्रक के पीछे से उनको लगा और लगने के बाद ऑन स्पॉट में उनकी पत्नी की एक्सपायर हो गई। उसके बाद एक दो मिनट बाद उनकी डेथ हो गई। किसकी, कौन थे ये? ये मील हाउस। सोनभद्र में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। इधर कुछ दिनों में जिले में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आज 66 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो जिले में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। दिन ब दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पंचायत चुनाव के साथ साथ कोरोना को लेकर भी टीम इस फिलहाल अलर्ट मोड पर है। तो सोनभद्र में आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ पिछले 24 घंटों में 66 मरीज मिले हैं, जो सोनभद्र में अब तक की सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं लगातार बढ़ते कोरोना को केसेस को देखते हुए जिला प्रशासन भी फिलहाल अलर्ट मोड पर आ चुका है और जनता से लगातार अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का भी पालन करें। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।